Hi everyone, my name is Har Singh and welcome to my YouTube channel The Universe Study and Wonders. और आज मैं अपना नया टॉपिक NDRF को लेकर आया हूँ और मैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा उसमें से कि उसका कंपोजिशन, उसका डिप्लॉयमेंट, उनके कुछ रिस्पॉन्सेज इंडिया में, उसके बारे में कुछ बताऊँगा और पूरी डिटेल में इसको आज हम समझाएँगे. और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, 2006 में बनाया गया था. इसके न्याय का अधिकार मतलब ज्यूरिसडिक्शन भारत की सरकार है. इसका हेडक्वार्टर अंत्योदय भवन न्यू दिल्ली में स्थित है. इसका मोटो सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड है, मतलब लोगों की ज़िंदगी को बचाना और उससे जुड़े सभी चीज़ों पर काम करना. और जो मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और जिसके मिनिस्टर हैं इस समय राजनाथ सिंह. NDRF के प्रेजेंट टाइम के एजेंसी एग्जीक्यूटिव, मतलब पूरी तरह की कार्यकारी जो पूरे NDRF को संभालते हैं, वह हैं संजय कुमार. और इस एजेंसी एग्जीक्यूटिव के पद को हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं. NDRF का पैरेंट डिपार्टमेंट, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, वह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. इसका की डॉक्यूमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का. इस एक्ट के आने के बाद ही NDRF का फॉर्मेशन हुआ था. यह एक्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर के लिए लाया गया था. इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और उसके सारे लॉ दिए गए हैं. NDRF की वेबसाइट ndrf.government.in है. द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जो कि बनाई ही इसीलिए गई है ताकि किसी भी प्रकार के डिज़ास्टर सिचुएशन या डिज़ास्टर पर एक स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स दे सके और डिज़ास्टर सिचुएशन से या डिज़ास्टर से लोगों को बाहर निकाल सके, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में बनाया गया था. डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी, मतलब सबसे ऊंची बॉडी, भारत में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं. भारत के संघीय प्रणाली में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को ही है. सेंट्रल गवर्नमेंट में नेचुरल डिज़ास्टर के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नोडल मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है. नोडल मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ डीलिंग रेगुलेटिंग फ्रेमिंग रूल्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है. जब भी कोई कैलामिटीज या नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है सहायता और मदद को अफेक्टेड स्टेट तक पहुँचाने के लिए. और स्टेट की आर्म फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की मांग पर उनकी तैनाती कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है. ज़रूरत के हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम भी वहाँ तक पहुँचाई जाती है. NDRF नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर में काम करती है. NDRF के हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं. NDRF के डायरेक्टर जनरल एक IPS ऑफिसर होते हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होती है. डायरेक्टर जनरल यूनिफॉर्म और 3-स्टार जनरल रैंक के बैजेस पहनते हैं. NDRF एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें डायरेक्टर जनरल के साथ साथ कुछ इंस्पेक्टर जनरल और डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, जो कि झंडा फहराते हैं और आर्मी स्टाइल रैंक की बैजेस पहनते हैं. अब बात करते हैं हम कंपोजिशन की, और कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट. आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ. NDRF पैरा सैन्य लाइनों पर आयोजित 12 बटालियन का एक बल है और भारत की अर्धसैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति द्वारा मानव निर्मित है. इसमें 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 3 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और 2 सशस्त्र सीमा बल है. हर एक बटालियन की लगभग टोटल स्ट्रेंथ 1149 है. हर एक बटालियन कैपेबल है 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट सर्च और 45 रेस्क्यू टीम को प्रोवाइड करने में. और ऐसा कि हर एक रेस्क्यू टीम में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, डॉग स्क्वाड्स और मेडिकल या पैरामेडिक्स मौजूद हों. नेचुरल डिज़ास्टर का जब जवाब देने में सक्षम होने के अलावा NDRF के पास ऐसे 4 बटालियन भी हैं, जो कि रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिज़ास्टर का भी जवाब देने में सक्षम है.
और अब आते हैं डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती। तो आइए देखते हैं, एनडीआरएफ की बटालियंस कंट्री में 12 अलग अलग जगहों पर स्थित है जो कि बेस्ड है वहाँ की संवेदनशीलता के ऊपर, ताकि रिस्पॉन्स के समय को और तेज किया जा सके। यह फोर्स हमेशा तैयार रहती है और जैसे ही कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है या पहले से ही एक्टिव और तैनात फोर्स स्टेट अथॉरिटीज़ के कंसल्टेशन के बाद एनडीएमए द्वारा तुरंत उस जगह पर भेज दी जाती है जहां पर वह डिज़ास्टर आया हुआ होता है। एनडीआरएफ के बटालियंस की प्रेजेंट लोकेशन भी आपको बता दूँ, जैसे कि आप इस समय एक टेबल देख पा रहे होंगे, उसमें जो लिखा है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि एनडीआरएफ की पहली बटालियन गुवाहाटी, उसका जो स्टेट असम है वहाँ पर होती है, और उसमें बीएसएफ, जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं एनडीआरएफ की कितने फोर्स हैं, तो इसमें एक बीएसएफ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उस बटालियन जो है ये सब उसी फोर्सों में थोड़ा डिवीज़न हुआ है उनका। तो ये यहाँ गुवाहाटी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बटालियन नंबर 2 कोलकाता में है जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर भी बीएसएफ है, और 3 मुंडाली जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर सीआईएसएफ है, और 4th अराकनम जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर सीआईएसएफ है, 5th पुणे जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर सीआरपीएफ है, 6th गांधीनगर जो कि गुजरात में है वहाँ पर भी सीआरपीएफ है, 7th गाजियाबाद यूपी में है आए वहाँ पर आईटीबीपी है, 8th जो भटिंडा में है वहाँ, वो भटिंडा जो कि पंजाब में स्थित है वहाँ पर भी आईटीबीपी है, 9th पटना जो कि बिहार में है वहाँ पर बीएसएफ है, 10th विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर सीआरपीएफ है, 11th वाराणसी जो कि यूपी में है वहाँ पर एसएसबी है, 12th ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर एसएसबी है। और ये थे हमारे बटालियंस की लोकेशन, जो 12 बटालियंस थी एनडीआरएफ की उसकी पूरी लोकेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी। और अब आते हैं फंक्शनल पैरामीटर पर, जिसका मतलब कि उनके काम करने का तरीका और एम्स। और आइए देखते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक समग्र सक्रिय बहुआपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा रहित भारत बनाना है। उनका यह टारगेट अचीव किया जा सकता है एक बचाव गंभीरता कम करने का और हमेशा तुरंत किसी डिज़ास्टर के समय पर फास्ट रिस्पांस देने के लिए तैयार रहने की संस्कृति से। इस नेशनल विज़न के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर मतलब हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करना भी इसका एम है। एनडीआरएफ ने इस विज़न को हाईली स्किल्ड रेस्क्यू मतलब अत्यधिक कुशल बचाव और रिलीफ ऑपरेशंस मतलब राहत संचालन, रेगुलर एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग मतलब नियमित और गहन प्रशिक्षण, और संबंधित एनडीआरएफ बटालियंस के जिम्मेदारी के क्षेत्र में परिचित अभ्यास बनाए रखने में अपना महत्व साबित कर दिया है। अब इसके आगे हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स मतलब कि कुछ उनके जो ऑपरेशन चलाए गए थे एनडीआरएफ द्वारा उसके बारे में। एनडीआरएफ अपनी इम्पोर्टेंस को प्रूव करता है कई सराहनीय परफॉर्मेंस द्वारा कई प्रकार के डिज़ास्टर के समय में, जिसमें इंक्लूड है ड्रॉनिंग केसेस, बिल्डिंग कोलैप्सेस, लैंडस्लाइड्स, डिवास्टेटिंग फ्लड्स और साइक्लोन्स। एनडीआरएफ अभी तक अपने टोटल 73 ऑपरेशन में 1,33,192 जाने बचाई हैं और 276 डेड बॉडीज को रिट्रैक्ट किए हैं मतलब वापस लाए हैं, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्सेस और लैंडस्लाइड जैसे केसों में डेड बॉडी को भी वापस पाना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कुछ मेजर के रिस्पांस के बारे में आपको बता दें, इसमें सबसे पहले 2010 के रिस्पांस पर डिस्कस करेंगे। 2010 में 3 मेजर रिस्पांस एनडीआरएफ द्वारा दिया गया था। पहला बेलरी जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर 27 जनवरी 2010 को बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी जिसमें उन्होंने 20 जानें बचाई थी और 27 डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला था। दूसरा गुवाहाटी जो कि असम में है, वहाँ पर एक फ्लड आया था जिसमें एनडीआरएफ का ऑपरेशन 20 से 25 अप्रैल 2010 तक चला था जिसमें उन्होंने 300 जानें बचाई थी। तीसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में 18 मई 2010 को लैला साइक्लोन आया था जिसमें भी एनडीआरएफ का ऑपरेशन चलाया गया था। और अब 2013 के रिस्पांस पर आते हैं। 2013 में एनडीआरएफ द्वारा
एक ही मेजर ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि वह एक ही कई ऑपरेशन के बराबर था। 2013 में फैरन साइक्लोन आया था, जो कि कई स्टेट्स पर आया हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे स्टेट इंक्लूड थे, जिसमें कि आर्मी और नेवी के बटालियन का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। ऐसे ही उनके कई रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, उनके अब तक टोटल 73 रिस्पॉन्सेस हैं, और उसमें से चार या पाँच के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। और अब मैं अपना यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं, क्योंकि यह लंबा होता जा रहा है। पर NDRF जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश के लिए और देश के लोगों के लिए हमेशा अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में बताते बताते शब्द ही कम पड़ जाएंगे और यह वीडियो और ही लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।